हॉर्टिकल्चर जैसे कि आप देख ही रहे होंगे आपने मुझे हमेशा और प्लांट ब्रीडिंग पढ़ाते हुए देखा है और सर को हॉर्टिकल्चर पढ़ाते हुए देखा है तो हम इसका कुछ कॉम्बिनेशन लेकर आ रहे हैं तो पता उस कॉम्बिनेशन की बहुत बड़ी वजह भी है।, आ रहे है क्योंकि आपका जी हॉर्टिकल्चर का बैच आ रहा है जहाँ दोनों पढ़ाने वाले हैं ठीक है चलिए हाँ, तो, तो एक क्वेश्चन मैं मेरे पास है ठीक है जो मैंने डिसाइड भी किया था मैंने जारफ के पेपर देखें आपने भी देखें मैंने फूड साइंस नेट देखा वेजिटेबल साइन्स नेट के पेपर देखें वहाँ तो पर एक कॉमन क्वेश्चन है जो बड़ा एग्जाम में आता है कि सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी ठीक है के बारे में काफी क्वेश्चन आते हैं तो सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी का मतलब ये होता है कि कोई पोलन है वो अपनी

ठीक है ये फ्लावर के पार्ट्स अगर आपने देखे होंगे यहाँ पर स्टिग्मा होता है ये स्टाइल होती है ना बिल्कुल पोटली होती है उसके अंदर पोल होते हैं है ना और हाँ. हाँ. ये जो एंथर है उसके अंदर पोल फिला कर कहा जाता है स्टेमिन

ये जो गोलूसा है ना दिस इज स्टिग्मा ओनली दिस पार्ट इज स्टिग्मा दिस पार्ट इज स्टाइल ओके और इन uh, दोनों को uh, स्टिग्मा और स्टाइल को दोनों को मिला के हम बोल देते हैं पिस्टल ठीक है, ठीक है? ठीक है? तो पिस्टल जो है वो है स्टेमिन है और इसके साथ साथ पेटल्स है जो पंखुड़िया होती हैं और सेपल्स है जो पंखुड़ियों के बाहर वो ग्रीन ग्रीन वाले पत्ते से लगे होते हैं ना साइड में है ना वो होता है आपका सैपल्स आकर्षण के लिए भी पिस्टल है Hmm. पर से जो होती है कलरफुल तभी तो उनके जो जो <laughs> और और सर जो का एक पूरा अरेंजमेंट होता है ना जैसे फाइव पेटल होते हैं थ्री पेटल्स होते हैं उसे कह देते हैं करोला ठीक है है ना तो कलरफुल होते हैं पेटल्स कलरफुल से याद रख सकते हो कि करोला है ना और बाकी सेपल और कैलिक्स जो सेपल का एक अरेंजमेंट होता है उसे कैलिक्स कहा जाता है मतलब मैं कह सकता हूँ कि कैलिक्स एक टोटल हो गया

और इसमें स्टिग्मा की लेंथ है बहुत ही अलग अलग होती है स्टिग्मा तो बहुत लंबी है ठीक है फिर बहुत छोटी, मीडियम है ठीक हाँ। है जैसे कि सीडो शॉर्ट लॉन्ग मीडियम ब्रिंजल में फोर टाइप ऑफ फ्लावर होते हैं ये भी जेआरएफ का क्वेश्चन है।

और थ्रम टाइप में जो आपका ये है स्टाइल है वो छोटी है स्टिग्मा सेम ही रहता है गोलू सा ऊपर आपकी स्टाइल लेंथ चेंज होती है ये दिस डंडी स्टाइल है फेलोपियन ट्यूब इज नोन एज स्टाइल ओके नाउ okay, ये जो स्पोरोफिटिक और गेमेटोफिटिक होती है ना वो आपकी होमोमॉर्फिक टाइप होमोमॉर्फिक मतलब आपको मॉर्फोलॉजी से बाहर से पता ही नहीं चलेगा कि अंदर कुछ गड़बड़ चल रहा है मॉर्फोलॉजी बिल्कुल सेम होगी ठीक है अंदर से जीन्स का गड़बड़ होगा है ना एक जीनोटाइप पढ़ते हो एक फिनोटाइप तो सेम है तो गड़बड़ होगी हो हो है तो हो होते हैं गैमीट पढ़ते हो ना फर्टिलाइजेशन में फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट तो उसमें कौन मिलता है भाई मेल गैमीट पोलन ही होता है अपना है ना फीमेल गैमीट या तो एग को मान लेते हैं तो कौन होता है गैमीट मेल गैमीट को अगर मैं बोलूँ पोलन होता है तो गैमीटो में आप गैमीट से याद रखोगे गैमीट आपका पोलन था अगर पोलन के जीनोटाइप की वजह से सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी आ रही है मतलब गड़बड़ किस में है पोलन, पोलन में है गैमीट में है अगर उसकी वजह से ये इनकम्पेटिबिलिटी आ रही है है ना जैसे सर मैं हमेशा अपनी क्लास में बोलती हूँ थोड़ा अटपटा सा एग्जाम्पल है बट रियल लाइफ में भी दो चीजें होती हैं या तो पति खड़ूस होता है यह तो पत्र ठीक होता है बस फैमिली में थोड़ा टाइम नहीं मिल पाता थोड़ा फैमिली मैन होता है उसको उस नहीं, है। <laughs> नहीं देखो सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी में सारी गलती किसकी है मेल की मतलब पोलन की ठीक है तो पोलन के जीनोटाइप की वजह से अगर सेल्फ uh, इनकम्पेटिबिलिटी आ रही है ना तो इसका मतलब है ये वो कौन सी है गैमिटोफिटिक सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी यही क्वेश्चन आ जाता है स्पोरोफिटिक में टोटल जो प्लांट का जीनोटाइप है जिसके ऊपर पोलन प्रोड्यूस हो रहा है

पोलन छोटा सा होता है इतना कोई डरेगा नहीं नहीं डरेगा छोटी चीजों से कोई नहीं डरता वो तो अलग बात है कि फिर छोटा डॉन जैसी चीज आ जाए तो ये आपके छोटे छोटे पोलन है ठीक है तो यहाँ पर जो आपका फिनोमिना होता है वो को का होता है ठीक है को का फिनोमिना होता है इसका मतलब क्या है अब आपको पता है सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी जो है एस एलील जो है कंट्रोल करती है हाँ. है ना एलील कंट्रोल करती है यानी एस वन एस टू एस थ्री तीस से लेके पचास एलील्स होती हैं ठीक है बहुत सारी एलील्स होती हैं ये सारी एलील्स जो है इक्वल बिहेव करती हैं कोडोमिनेंस का मतलब है इक्वल ये सारी एलील्स जो है इक्वल बिहेव करती है आपस आप so, में कॉमन कॉमन टाइप का डोमिनेंस नहीं तो को का मतलब को का मतलब होता है इक्वल ना हाँ. हाँ तो हाँ ये भी अच्छा ट्रिक है सर आप तो मतलब ट्रिक मास्टर हो को मतलब कॉमन सब कॉमन है है ना हाँ. कोई यहाँ पे बादशाह नहीं है सब कॉमन है सब इक्वल है ठीक है तो ये हो गया अब जो स्पोरोफिटिक है सर स्पोरोफिटिक में कौन कंट्रोल कर रहा था प्लांट और कंट्रोल, और कंट्रोल प्लांट, कर प्लांट कितना बड़ा होता है पोलन के कम्पेरिजन में है ना तो जब बड़ी चीज आ जाएगी आपके सामने कोई बड़ा गुंडा आ जाएगा ऑब्वियसली है ना हम तो दिमागी लोग हैं हम ऐसे सर सर अपना आपा नहीं खोते सर बहुत सर में बहुत पेशेंस है <laughs> सर चुप हो जाते हैं तो स्पोरोफिटिंग में क्या होता है डोमिनेंस होती है किसके बीच में एलील्स के बीच में इसका मतलब क्या हुआ एस वन जो है वो ग्रेटर देन एस थ्री इज ग्रेटर देन एस फोर अब मैंने ये चीज क्यों बताई यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आते हैं आपके ठीक है और उस क्वेश्चन के लिए सर मैंने आपको कुछ टाइम पहले बताया था कि आपस में कंपेटिबिलिटी किन की होती है जो कंपैटिबल कौन होता है जो आपस में सेम हो या डिफरेंट सेम होगा तो क्या ही कंपैटिबल है ना अपोजिट तो अट्रैक्ट करते हैं अपोजिट हाँ, अट्रैक्ट्स अच्छा। है ना अपोजिट अट्रैक्ट्स तो अपोजिट अट्रैक्ट का मतलब है एस वन एस टू और एस थ्री एस फोर ये दोनों डिफरेंट है ये डिफरेंट हाँ। है और ये डिफरेंट है हाँ। तो इनके बीच में कंपैटिबिलिटी हो होगी अगर s1 s2 ऊपर भी है दोनों झगड़ालू हैं भाई s1 s2 नीचे भी है तो क्या इनके बीच में कंपैटिबिलिटी होगी नहीं होगी नहीं होगी। एक जो है झगड़ालू तो एक शांत होना चाहिए हाँ हाँ, हाँ। तो भाई इसी तरीके के क्वेश्चन आते हैं पता क्या क्वेश्चन आते हैं कि s1 s1 सॉरी s1 s2 into s3 s4 विल गिव राइज़ टू कंपैटिबल इनकम्पैटिबल पार्शियल कंपैटिबल इस तरीके के आएंगे तो आपको पता है ये फुल्ली कंपैटिबल होने वाले हैं क्योंकि अलग हैं एक दूसरे से है ना और यहाँ से हमने देखा है कि मैम और से एग्जांपल भी आते, हाँ तो मैं तो सर को बोलना चाहूंगी सर फ्रूट्स के एग्जांपल बता दीजिए आप ना फ्रूट्स में अगर मैं देखूँ तो जो मेनली है वो होती है मैंगो के अंदर ठीक है मैंगो के अलावा ये आंवला के अंदर भी होती है ठीक है और अगर मैं इनके अलावा गैमेटोफिटिक की बात करूंगा तो गैमेटोफिटिक जो होती है वो एप्पल के अंदर होती है और एप्पल के अलावा एक और अगर मुझे याद आ रहा तो सही होगा तो चेरी। चेरी के अंदर भी गैमेटोफिटिक पाई जाती है ठीक है, है। बाकी कुछ और वेजिटेबल भी होते हैं लेकिन बेसिकली वेजिटेबल आप बताइए तो स्पोरोफिटी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर कोल क्रॉप्स आती हैं जैसे रेडिश हो गया कैबेज हो गया रेडिश कोल क्रॉप्स में वैसे रेडिश नहीं आती है क्रूसीफर्स में आती है तो ये दोनों जो है इसमें स्पोरोफिटिक टाइप ऑफ सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है और गैमिटोफिटिक जो होती है वो टोमेटो में होती है

और यहाँ पर S1 S3 है है ना अब आपको बताना है कि क्या ये कंपैटिबल होंगे या ये इनकंपैटिबल होंगे इनकंपैटिबल या ये पार्शियली कंपैटिबल होंगे पार्शियल partial होंगे पार्शियली कंपैटिबल होंगे देखिए ये S1 है, ये S1 है तो हाँ। इनका तो मैच कुछ बन नहीं रहा है हाँ जी बिल्कुल यहां S2 S3 है ठीक है यहाँ पर एक का डिफरेंस हमें यहाँ पे लग रहा है ठीक हाँ, है तो ये वाले क्या होंगे कम्पेटेबल तो, तो होंगे बिल्कुल सही तो तो कौन सा हो गया फिर अच्छा तो, तो ये दोनों को एक ही बताना है हाँ मतलब नहीं? ये क्या हो गया ये पार्शियल हो गया हाँ, मतलब आधे हैं आधे नहीं, है तो पार्शियल आंसर हो गया है ना अब ये चीज पता किस केस में होगी ये चीज होगी गैमिटोफिटिक के केस में किस केस में होगा गैमिटोफिटिक क्योंकि गैमिटोफिटिक के केस में S1 S2 जो है वो फो डोमिनेंट होंगे और एस1 एस3 ऐसे बिहेव करेंगे लेकिन अगर स्पोरोफिटिक आ गया ना सर अगर स्पोरोफिटिक आ गया ऐसे ही एस1 एस2 और एस1 एस3 और क्या है स्पोरोफिटिक है स्पोरोफिटिक में डोमिनेंस थी स्पोरोफिटिक सेल्फ इनकंपैटिबिलिटी में डोमिनेंस थी बिल्कुल डोमिनेंस थी तो इसका मतलब है एस1 एस2 विल बिहेव एज एस1 क्योंकि इस पे हावी हो जाएगा और एस1 एस3 विल ऑलवेज बिहेव एज एस1

तो हाँ, से कल्चर भी और कल्चर हाँ, तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं ये क्वेश्चन कहां का है ये जान पहले ये एमएससी एंट्रेंस का है ठीक है सबसे मेन चीज है ना एमएससी एंट्रेंस में ये यूपी कैट का क्वेश्चन है क्वेश्चन तो जैसे कि ब्रोकली ब्रोकली के अलावा कॉली फ्लावर और हमारी कैबेज नोल्खोल नोल्खोल ये मूली मूकर

पॉलिनेटेड hmm. ठीक है? कौन सी है? में था होता है, वो इसी पे डिपेंड करता है कि कितना परसेंट क्रॉसिंग एक्सटेंड है ना जीरो टू फाइव होता है तो सेल्फ होता है फाइव टू थर्टी होता है तो ऑफन होता है थर्टी से ज्यादा होता है तो क्रॉस होता है लेकिन सर का क्वेश्चन है कि कितना क्रॉस कितना परसेंटेज है मेरा नहीं है मेरा ये है कि सबसे ज्यादा क्रॉस कौन सी है हाँ मैं वही बोल रही हूँ कि, हाँ, कि कितना क्रॉसिंग एक्सटेंड होता, हाँ, होता है सबसे ज्यादा किसमें होता है बिल्कुल होता है अब इससे ज्यादा भी किसी में होता है हाँ, तो आपको बताना है और जितनी भी कोल क्रॉप है सभी

पढ़ाने वाले हैं लाइक फ्रूट साइंस प्लांटेशन फ्लोरिकल्चर पोस्ट हार्वेस्ट और मैं आपको वेजिटेबल साइंस पढ़ाने वाली हूँ तो अगर आप इस बैच में एनरोल करना चाहते हैं जो कि है आपका जे आर एफ का बैच ठीक है तो ये आप यहाँ पर देख सकते हो आपको कैसे एनरोल करना है वो आपको सर बता देंगे आप और आपको सीधे आप यहाँ तक तो पहुंच जाओगे आप अंडर का डाउनलोड करके आई सी में गए हॉर्टिकल्चर में गए और यहाँ पर आप वाइन ऑपे क्लिक करेंगे और यहाँ पर डिस्काउंट कोड लगा सकते हैं अब हो सकता है जब जब तो ना रहे लेकिन तब आपको ये थोड़ा दो तीन सौ रुपए महंगा मिलेगा ठीक है इसके अलावा आप दूसरा डिस्काउंट कोड भी यूज कर सकते हैं जो की ठीक है uh, यहाँ पर मिल जाएगा

तो इसको आपको अप्लाई कर देना इसको अप्लाई करते ही आपको डिस्काउंट मिल जाएगा भाई सारी लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिलेंगी सारे नोट्स मिलेंगे जिनको आप डाउनलोड करके हमेशा के लिए रख सकते हो प्रिंट करवा सकते हो लाइव और, और रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस मिलेंगी कभी भी देख सकते हो और वैलिडिटी जो है एक साल के लिए आपकी रहेगी आज अगर आप लेते हो तो दो साल के लिए आपको ये मिल जाएगा बिल्कुल रेगुलर क्लासेस छह बजे और सात बजे होती है आपकी फुल रिविजन हो जाएगी भाई, जो भी आपका दूसरे माइनर माइनर मीस हॉर्टिकल्चर में जो हम माइनर बोल सकते हैं है ना जैसे हम पढ़ते हैं तो सारे सब्जेक्ट्स अलॉन्ग विद हॉर्टिकल्चर एंड जनरल एग्रीकल्चर सारे छे से आठ जो है आपके क्लियर होने वाले तो हमारी क्लासेस लगातार देखते रहिएगा लाइव मंडे टू सैटरडे और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा बड़ा हो गया अठारह मिनट का आप मुझे कमेंट में जरूर बताना अपना ख्याल रखना सभी ऑल okay. राधे राधे ठीक है अगली वीडियो में भी मिलेंगे अगर आपको अगली वीडियो ऐसी चाहिए तो कोई नेट ट्रिक्स या ने कोई कांसेप्ट के साथ तो कमेंट में जरूर कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को बहुत सारा प्यार कीजिए लाइक कीजिए शेयर कीजिए ताकि ऐसे अच्छे-अच्छे अपडेट्स हम साथ में आपके लिए लाते रहे तभी लेकर आएंगे ओके बाय बाय टेक केयर